प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 ग्रामर बुक डिटरमिनर्स एक्सरसाइज। बोर्ड एग्जाम में डिटरमिनर के जो क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं वो एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 10 जो ग्रामर बुक के अंदर हमें दी होती है उसमें से ही पूछे जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स ये 10 एक्सरसाइज कर लेंगे तो ग्रामर के जो डू एस डायरेक्टेड का जो पार्ट है वो उनका कवर हो जाएगा और क्वेश्चन इसी में से ही पूछे जाते हैं, इससे बाहर कोई भी डिटरमिनर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1। मिस्टर शर्मा वेंट टू बाजार एंड बॉट हनी। हम यहाँ पे डिटरमिनर यूज करेंगे सम। सम इसलिए यूज किया, हनी अनकाउंटेबल है, कॉमन है और इसलिए हम यूज करेंगे सम। फ्रॉम अ शॉप, शॉपकीपर, ये हमारे लिए कॉमन शॉप थी लेकिन इस शॉप का जो ओनर है शॉपकीपर वो हमारे लिए विशेष है, इसलिए हम यूज करेंगे द शॉपकीपर गेव हिम द हनी। अब हमने यहाँ पर हनी के साथ भी द यूज किया, क्यों? पहले जिस हनी की हमने बात की थी वो एक कॉमन नाउन था लेकिन अब हम जिस हनी की बात कर रहे हैं वो एक कॉमन नाउन नहीं है। इससे पहले जिस नाउन की बात हो गई है उसको दोबारा जब रिपीट करते हैं तो आर्टिकल द यूज किया जाता है। व्हेन मिस्टर शर्मा वाज कमिंग बैक ही सा सम गर्ल्स। गर्ल्स ज्यादा है, कॉमन नाउन है, प्लूरल नाउन है, सम यूज कर लिया। हु वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी प्रीटी डैश गर्ल द गर्ल्स। अब हम यहाँ पे यह यूज करेंगे द, क्योंकि गर्ल्स की बात हम पहले भी कर चुके हैं। कोई भी कॉमन नाउन है जिसका पहले जिक्र हो जाता है, जिसकी पहले हम बात कर चुके हैं, उसको दोबारा हम लिखते हैं तो उससे पहले आर्टिकल द उसको विशेष बनाने के लिए किया जाता है। द गर्ल्स वर वियरिंग ब्यूटिफुल क्लोथ्स, मिस्टर शर्मा वॉज हैप्पी टू सी द गर्ल। फिर दोबारा हम दो यूज करेंगे इन डैश अ जॉयफुल मूड। तो इस तरह हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली। अब हम देखते हैं सेकेंड एक्सरसाइज। इन माई लास्ट समर वेकेशन आई वेंट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस डैश ऑफ द मेंबर्स। हम यहाँ यूज करेंगे ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली वेंट अलोंग विद मी। माई फादर, हमने माई क्यों यूज किया? मेरी फैमिली की बात हो रही है तो निश्चित है कि माई फादर की बात होगी। माई फादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ विजिटिंग दैट प्लेस। वी डिंट हैव लेगेज मच विद अस डैश पीपल। मैनी पीपल केम टू सी दैट प्लेस। वी डिंट फेस एनी डिफिकल्टी। एनी हमने क्यों यूज किया? कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है डिटर्मिनर फिलअप करने के लिए कहा जाता है तो एनी यूज होगा।
difficulty there because we had visited that place dash a time, many a time. तो ये हमने सेकेंड एक्सरसाइज भी कर ली. एक्सरसाइज थर्ड, आर क्लास टीचर ऑर्गेनाइज्ड डैश बर्थडे पार्टी एट हर होम. हमें पता है हर होम फीमेल की बात हो रही है और उस हमारी क्लास टीचर जो कि एक फीमेल है ने अपने घर पर एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की. तो हमें पता है कि उन्होंने अपनी ही बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की, तो हम यूज करेंगे हर. ओनली डैश गर्ल्स, गर्ल्स ज़्यादा हैं, वर प्रेजेंट. हम यूज करेंगे अ फ्यू. आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फ्यू नेगेटिव सेंस में यूज होता है, अ फ्यू का मतलब होता है सम, कुछ. वर प्रेजेंट इन द पार्टी, पहले मैंने बताया क्योंकि पार्टी की बात पहले भी हो चुकी है, दोबारा हम उसके बात कर रहे हैं, तब हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे. आई बॉट अम्ब्रेला, सिंगुलर है एन, क्योंकि वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है. एज अ गिफ्ट फॉर हर, एज आई हैड ओनली अ अमाउंट ऑफ मनी विद मी. आर क्लास टीचर वॉज वियरिंग अ साड़ी, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन है. शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल इन हर अटायर. वी हैड नेवर सीन हर इन दैट टाइप ऑफ अटायर अर्लियर. डैश ऑफ द गर्ल विश्ड हर, ऑल ऑफ द गर्ल्स विश्ड हर अ लॉन्ग लाइफ. शी इज आवर फेवरेट टीचर. ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज भी हो गई. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी फोर है. चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब. इट इज माई फेवरेट सिटी. माई मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस में हमें दिखाई दे रहा है आई, तो हम वो ही जो आई से संबंधित डिटर्मिनर हमारे पास है पजेसिव, वो हम यूज कर रहे हैं. आई हैव विजिटेड दिस सिटी डैश टाइम मैनी टाइम्स. आई स्पेशली लाइक द रोज गार्डन. रोज गार्डन प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम आर्टिकल द यूज कर रहे हैं. एंड द सुखना लेक, ये भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ हम यूज करते हैं द. डैश पीपल केम टू मैनी पीपल. मैनी पीपल केम टू डैश सिटी फॉर रिलैक्सेशन. दिस सिटी वी ऑलवेज स्टे एट डैश अंकल्स प्लेस माई, क्योंकि पहले भी हम यूज कर रहे हैं माई अंकल्स प्लेस. वेन एवर वी गो टू चंडीगढ़, लाइफ इन चंडीगढ़ इज वेरी बिजी एंड पीपल डोंट हैव एनी टाइम. पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है तो हम डिटर्मिनर एनी यूज करते हैं. टू स्पेयर डैश पीपल मैनी पीपल गो देयर टू अर्न डैश लाइवलीहुड. तो मैनी पीपल की बात हो रही है, इसके लिए हम पजेसिव कौन सा यूज करेंगे, देयर. तो ये हमने एक्सरसाइज फोर जो है वो भी हमने कंप्लीट कर ली. नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज फाइव. आई हैव डैश फ्रेंड,
सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन है और यूज करेंगे आई हैव अ फ्रेंड हु लुक्स एज स्टूपिड एज आउल एन, क्योंकि वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है. आई ट्राई टू ब्रिंग डैश टू सेंस डैश टाइम्स बट शी यहाँ पर यूज हुआ है, फीमेल फ्रेंड की बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई ट्राइड टू ब्रिंग हर टू सेंसेस मेनी टाइम्स बट शी इज अ हार्ड नट टू क्रैक, शी लाइक्स डैश वे शी लिव्स द वे, क्योंकि उसके तरीकों की बात हो रही है तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया हमारे लिए तो हम दो यूज कर रहे हैं. शी डजेंट वांट एनी, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, डिटरमिनर एनी यूज होगा. इंटरफेरेंस इन हर लाइफ स्टाइल, तो शी इज डैश एजुकेटेड गर्ल एन डैश टेम्परामेंट इज नॉट गुड हर मे गॉड गिव हर विजडम एंड स्ट्रेंथ टू फाइट डैश ऑड्स ऑफ लाइफ हर ऑड्स ऑफ लाइफ. एक्सरसाइज सिक्स डैश पुअर पीसेंट, स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, वेंट ऑफ अर्ली इन डैश मॉर्निंग टू प्लो, तो कॉमन काउंटेबल सिंगुलर नाउन है यूज करेंगे. वेंट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग टू प्लो ही सा नो वन Yet someone had certainly been there. He lost dash piece of bread. His piece of bread. क्योंकि he के साथ पजेसिव डिटर्मिनर जो हम यूज करते हैं वो है his. He, it was dash imp an. Vowel sound से शुरू हो रहा है, imp का मतलब होता है भूत या कोई आत्मा. हु हैड स्टोलन हिज ब्रेड, द इम्प वेंट टू द डेविल, प्रॉपर नाउन के रूप में यूज हुआ है. हिज मास्टर पीजेंट स्पोक एंग्रीली टू हिज वाइफ, This pleased the devil even more. The devil praised the imp. क्योंकि पहले हमने एन यूज किया इससे पहले, अब हम द यूज कर रहे हैं क्योंकि एक बार यूज हो चुका है पहले, उसी के बाद जब दोबारा बात होती है तो ये प्रॉपर नाउन के रूप में यूज होता है, इसलिए हम पर जो है डेफिनेट आर्टिकल द यूज कर रहे हैं. एंड फॉरगिव हिम The next year, dash, imp advised the imp, advised advised the peasant to show on the हिल भी ठीक है, अगर हम यूज करना चाहें तो भी ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइज सेवन, माय ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड लेडी डैश पेरेंट लेफ्ट मी, मेरी बात हो रही है तब हम लिखेंगे माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर She clasped
मी इन हर आर्म, शी सैंग सॉन्ग्स फॉर मी एंड टोल्ड मी मैनी स्टोरीज, आई लाइक्ड डैश वे द वे शी स्पोक, आई एक्टेड अपॉन द एडवाइस शी गेव टू मी, शी यूज टू सिट इन एन ओल्ड पोर्च इन हर हाउस, ऑल द विलेजर्स अप्रोच्ड हर व्हेनेवर दे हैड द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम एंड हम लिख सकते हैं एनी प्रॉब्लम, शी ट्राइड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। देयर हमने क्यों लिखा, क्योंकि इससे पहले विलेजर्स की बात हो चुकी है। एक्सरसाइज 8, रोजी सेट ऑन अ बेंच, कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इन द गार्डन, शी वाज डैस्ड इन एन आई कैच कैचिंग अ टायर, डैश एडरली जेंटलमैन एन वॉल साउंड से शुरू हो रहा है, सेट बाय हर साइट, इट वाज अ प्लीजेंट आफ्टरनून, द बर्ड्स वर चर्पिंग इन द गार्डन, शी हियर्ड अ ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑफ अ नाइटिंगेल, द सीन प्लीज्ड हर एंड हार्मोनाइज्ड विद हर मूड। आफ्टर सम टाइम हर प्लेस ऑन द बेंच वॉज टेकन बाय समवन एल्स, शी आस्क्ड हिम टू लीव द प्लेस बट ही डिड नॉट लिसन टू हर अपील। एक्सरसाइज 9, राम ओपन्ड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट द आर्टिकल्स, हिज आईज हैड अ सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, ही वाज एन एस्ट्रोलॉजर, He was as much a stranger to the stars. As his customers. He had a good knowledge about the sufferings of people. The sufferings of people. He predicted the future and the people believed that what he told them was true. He had read many good books and he was an expert in his profession. He earned much money
फ्रॉम हिज प्रोफेशंस। एक्सरसाइज 10, इंडिया इज डैश ग्रेट कंट्री। वी यूज हुआ है, हम यूज करेंगे आर ग्रेट कंट्री। वी आर प्राउड ऑफ इट्स रिच हेरिटेज। देयर आर मैनी लैंग्वेजेस स्पोकन इन आर कंट्री। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। द पार्टीशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन 1947। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। डैश पीपल, मैनी पीपल सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स टू सेव द ऑनर ऑफ देयर कंट्री। देयर हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहां पर पीपल की बात पहले ऑलरेडी हो चुकी है। We can't forget the sacrifice and dash way they fought, the way they fought for the sake of their country। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 1 से लेकर 10 कंप्लीट कर ली। बोर्ड एग्जाम में डिटरमिनर के क्वेश्चंस इन्हीं 10 एक्सरसाइज में से पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, अगर आपने इन 10 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर ली तो आपके 100% मार्क्स आएंगे डिटरमिनर में। थैंक यू।